गुड मॉर्निंग डियर किड्स, हाउ आर यू? फाइन? ओके, बच्चों को हमेशा अच्छे रहना चाहिए, हमेशा हंसते हुए हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए तो आज क्या है, आज हमारा स्कूल वाला डे है और आज डेट क्या है, डेट इज 23 ऑफ सितंबर। और आज दिन कौन सा है, आज दिन है वेंसडे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम स्कूल आ गए तो फर्स्ट हमारा क्या काम होता है, फर्स्ट हमको करना है प्रेयर। तो प्रेयर के लिए क्या करेंगे सभी, जॉइन योर हैंड एंड क्लोज योर आईज। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe, we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand, we will walk hand in hand, we will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We shall overcome someday. Okay, prayer कर लिया है हमने, prayer हमारा हो गया है। अभी मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए subject में English डाला है और आज मैंने लिखा है revision। तो पहले तो हम जो previous revision है हमारा, जो मैंने आपको बताया था standing line और sleeping line से बनने वाले जो 3 letters हमने सीखे हैं, वो 3 letters में आज आपको फिर से रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो देखिए ये स्टैंडिंग लाइन, देन ये स्लीपिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से बनने वाले 3 letters जो हमने सीखे थे पहले लास्ट वीडियो में, ये देखिए स्टैंडिंग स्लीपिंग स्लीपिंग। तो ये क्या बन गया हमारा लेटर आई, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, ये हमारा कौन सा लेटर बन गया, लेटर एल। स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, तो ये हमारा कौन सा लेटर बन गया था, लेटर एच। तो ये प्रैक्टिस आपको कॉपी में करना है आपके सभी बच्चों को, ये आपकी जो कॉपी है जिस कॉपी में आप लिखते हैं उस कॉपी में आपको ये प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस आप कॉपी में भी कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस आप स्लेट में भी कर सकते हैं, आपकी रफ कॉपी। तो आप बार बार इसको लिखिए, इन सभी लेटर्स को आप बार बार लिखिए। अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा, अब हमारा वीडियो कब आएगा, 25th of September। तो जब हमारा वीडियो 25th of September को आएगा तब मैं आपको इसके आगे वाले 2 letters बताऊंगी जो स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइन से बनते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये लेटर्स आपको लिखने आ गए। स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन से आप बहुत अच्छे से फैमिलियर हो गए, तो आप बहुत ईजीली उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या बताने वाली हूँ आपको, अब आप देखिए मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, ओके। अभी हमने क्या किया था, फर्स्ट हमने क्या किया था, अभी हमने रिविजन किया था इंग्लिश का। अब हम कौन सा सब्जेक्ट लिखा है, मैंने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है मैथ्स। तो मैथ्स में 1 to 5 काउंटिंग मैं आपको पहले बता चुकी हूँ और वो मैंने आपको उसको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। ये आपको रिटर्न पार्ट नहीं है, आपको इसको लिखना नहीं है, ओनली ओरल आपको याद करना है और आपको काउंटिंग करना आना चाहिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, काउंट कर सकते हैं आप घर में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे बहुत सारे, आप बाउल्स गिन सकते हैं किचन में से लेके, स्पून्स गिन सकते हैं, आपके किचन में जो ग्लास होते हैं आप ग्लास गिन सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था आप अपने टॉयज काउंट कर सकते हैं, आप अपने ड्रेसेस काउंट कर सकते हैं, आप मम्मी का जो मेकअप का सामान होता है मम्मी के पास कितने लिपस्टिक्स हैं, मम्मी के पास कितने नेल पेंट्स हैं, आप ये भी सब काउंट कर सकते हैं। सब मैंने बताया था, ये सब आप लोगों ने किया होगा घर में, बहुत उथल पुथल मचाया होगा आपने, अच्छी बात है। इस तरीके से आप काउंटिंग करना सीखेंगे, लिखना भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले अभी हम, अभी हमने क्या था 1 to 5 सीखा था, अब हम क्या करेंगे 1 to 10 सीखेंगे। ओके ओके बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था अभी मैं मैथ्स
मैंने आपको बताया था, लास्ट मैंने आपको 1-5 मैच बताया था, ठीक है। आज हम 1-10 सीखेंगे, तो आपको मैं आज अलग अलग तरीके से बता रही हूँ, वैसे आपको देखना है, मुझे काउंट करके बताइएगा ये कितना है, हाउ मेनी बैट्स, 1, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1, अभी बॉल्स कितने हैं काउंट किए हमने, 1, 2, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 2, ठीक है। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर, 3 स्टार्स, तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, 3। हाउ मेनी आइसक्रीम्स आर देयर, 4, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 4। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर, 5। तो जब आप घर पे भी लिखेंगे ना, तो आपको ऐसे ही काउंट करके आपको लिखना नहीं है, सॉरी लिखना नहीं है आपको, आपको सिर्फ इनको पढ़ना है, आपको समझना है कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 से काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, 2 से काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं, काउंटिंग सीखना है भी आपको। रिटर्न पार्ट आपको अभी इसमें नहीं करना है, रिटर्न के लिए मैं आपको आगे बताऊंगी। अब ये देखिए, हाउ मेनी बॉल्स आर देयर, आपको बॉल्स काउंट करने हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 बॉल्स हैं, तो यहाँ पर 1 मोर बॉल और बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6, कितनी बॉल्स हैं ये, हाउ मेनी बॉल्स, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हाउ मेनी स्टार्स, 7 स्टार्स, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 7। हाउ मेनी सर्कल्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सर्कल्स, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8। अभी क्या स्क्वायर्स बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 9। अब ये कितनी बॉल्स है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 10, ठीक है। देखा आपने किस तरीके से आपको काउंटिंग करना जरूर भी सीख सकती है। अभी तक आपने 5 का काउंटिंग किया ना, अब आपको 5 से आगे 10 का काउंटिंग करना है, तो ये काउंटिंग केवल आपको ओरल करना है, सिर्फ आपको ये काउंटिंग चीजों से काउंट कीजिएगा, ऐसे तो आप फिंगर से भी काउंट कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 10 फिंगर तो हमारे पास है, इजीली हम काउंटिंग सीख सकते हैं। उसी तरीके से जो मैंने आपको पहले तरीका बताया है, आप उसी तरीके से काउंटिंग करना सीख सकते हैं। लिखने का पार्ट हम आगे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं लिखने का पार्ट। अच्छा, अब हमने रिविजन कर लिया है हमारा इंग्लिश का, मैथ्स का ये भी मैंने आपको बता दिया है, भी अब ये बताइए आज जो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाने वाला टाइम है हमारा, अब हम कहाँ जाने वाले हैं, हम जाने वाले हैं स्मार्ट क्लास में। तो अभी स्मार्ट क्लास में क्या करेंगे, हम पुरानी जो पोम्स है वो रिवाइज करेंगे, क्योंकि अभी अक्टूबर में आप लोगों का भी एग्जाम है, ओरल एग्जाम होगा आप लोगों का भी, आपका रिटर्न पार्ट नहीं होगा बट आपका ओरल एग्जाम होगा, तो उस ओरल एग्जाम में मैं कुछ पोम आपको बताऊंगी, इसलिए अभी हम नई पोम नहीं स्टार्ट करने वाले हैं। हम जो पुरानी हमारी जितनी भी पोम्स अभी हमने पढ़ी है, जो आपके कोर्स की पोम है, कुछ पोम्स मैंने आपको कोर्स से भी अलग भी करवाई है, तो वो पोम छोड़ देंगे, बाकी जो कविता और पोम्स मैंने आपको आपकी बुक से करवाई है वो पोम हमको दोबारा दोबारा रिवाइज करना है अगेन अगेन, जब हम उनको पोम को रिवाइज कर लेंगे तो आपको पोम याद हो जाएंगे। तो आज हम कौन सी वाली पोम लिखेंगे स्मार्ट क्लास में, आर्यन प्रिपेयर्ड, जो पोम हम पहले देख चुके हैं, तो वो आपको याद करना है, याद करने के बाद जब आपको याद हो जाती है तो आपको अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके मुझे वो व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट क्लास में, कौन सा फॉर्म लिखने वाले हैं, अर्ली टू बैड एंड अर्ली टू राइस, चलिए स्मार्ट क्लास में चलते हैं, ठीक है। फ्राइडे, तो ओके भाई।